आनंदकारी मिशन द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 64वीं जयंती और चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सफाई अभियान का आयोजन पूरे देश में किया गया, जिसमें 634 सरकारी अस्पताल और 275 शहरों में ये सफाई अभियान चलाया गया। मनाली शाखा में भी सफाई अभियान चलाया गया सरकारी अस्पताल में और मॉडल टाउन मनाली की गलियों में। SDM मनाली रमन घरतंगी ने कहा कि ये जो देशव्यापी सफाई अभियान चलाया गया, इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो ये संतनकारी मिशन ने आज बीड़ा उठाया है। AKS न्यूज चैनल के लिए मधुबाला की एक रिपोर्ट। SDM महोदय श्री रमन जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन मनाली ब्रांच की तरफ से दास करता है कि इन्होंने अपना कीमती और बहुमूल्य समय यहाँ पर हमारे मिशन के सेवादार भाई बहनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये उपस्थित हुए। मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बस चंद शब्दों में थोड़ा सा जो मिशन की आइडियोलॉजी है, विचारधारा कि किस विचारधारा पर मिशन, कोई ये हमारा संप्रदाय या कोई कॉम्युनल कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ एक विचारधारा है मिशन की, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड नॉलेज, आत्म ज्ञान के लिए कि आत्मा और परमात्मा की बात, कि परमात्मा को जाना जा सकता जो हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, उसके अनुरूप ही आज भक्त के पैगंबर सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज सदगुरु के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। जैसे कि लेखराज जी महात्मा ने पहले बता दिया, 13 मई 2016 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हजूर बाबा जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक्सीडेंट में शरीर उन्होंने त्यागा था। उसके बाद 16 मई को सदगुरु माता के रूप में सदगुरु प्रकट हुए, ये पूरा निरंकारी जगत जानता है। थोड़ा सा SDM महोदय के ज्ञानार्थ लाने के लिए ये संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दास ने निरंकारी मिशन का दिया और दास भी अभी कुछ एक लिटरेचर है वो भी दास भेंट करेगा हमारे SDM महोदय को। और एक बार फिर तहे दिल से मैं इनका आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ कि ये हमारे बीच में उपस्थित हुए और हमारे मिशन का मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए सेवा के प्रति ये यहाँ पर आज हमारे बीच में हाजिर है। इनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सात संगत प्रेम से बोलिए। राम ठाकुर जी और संत निरंकारी मिशन के जितने भी यहाँ पे कर्ता रहता है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस दिन आपने मुझे एक मुख्य अतिथि बना के आमंत्रित किया और मुझे खुशी है कि मैं इस छोटे आपके इतना बड़ा जो मिशन है उसका भी मैं एक छोटा सा मतलब एक पार्ट बन गया हूँ आज के आज। तो मैं भी जो आपके फ्लायर्स वगैरह पढ़ रहा था तो संत निरंकारी मिशन जो है इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो संत निरंकारी मिशन जो है वो सोशल सर्विस जो है उसमें मतलब उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो एक 1929 में एक बाबा बोटा सिंह ने जो एक बीज डाला था वो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, इंस्टीट्यूशन बन गया हुआ है जो समूचे भारत में नहीं पर पूरे विश्व में सभी जितने भी आप देशों में जाओगे वहाँ कहीं ना कहीं जो है संत निरंकारी मिशन की कोई ना कोई ब्रांच आपको मिलेगी। तो जैसे आपने ये बताया कि ये एक कोई धर्म विशेष नहीं है या कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है, एक आत्मज्ञान का एक माध्यम है। तो मैं आपकी बात से बहुत, प्रताप जी ने जो बताया था और वकील साहब ने जो बताया, मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ कि भाई जैसे आजकल के ज़माने में आप कह सकते हैं कि जैसे जितने भी जो जो इस तरह के जो सेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं उनका मेन जो फोकस है वो ज़्यादातर धर्म विशेष को एक उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जात पात धर्म विशेष या संप्रदाय इस पर आप इससे चीज़ों से उठ के आप एक ह्यूमन बींग बनने की कोशिश करते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है खासकर इस समय जो है इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ह्यूमैनिटी की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में मैं देख रहा था कि एक आपका जो बहुत अच्छा मोटो है हील एम्पावर एनरिच, तो इसमें जो है आपके जो चाहे एजुकेशन हो, यूथ डेवलपमेंट हो, चाहे क्या होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जैसे आप
किन साहब कह रहे थे कि स्वच्छता अभियान का आपको एक संत निरंकारी मिशन जो है उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जो है अगर सरकार ने आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना है, इसका मतलब आपका कोई बैकग्राउंड होगा इसके 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 संदर्भ में, और इसीलिए आपको इतना बड़ा इतनी बड़ी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो मैं बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मुझे भी आपने इस प्रोग्राम में जो आपका स्वच्छता मिशन है, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेज एजुकेशन रिलेटेड जो भी कार्य हैं, उसमें मैं एक आपका एक पार्ट बना हूँ। और मैं एक चीज़ और देख रहा था कि उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपका एक आपने एक मतलब उसमें लिखा गया डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका रोल है। तो मैं ये चाहूंगा कि भी आगे जैसे हम लोग यहाँ पे मॉक ड्रिल वगैरह करते रहते हैं टाइम टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में, तो मैं जरूर याद रखूंगा कि अगली बार जब भी कोई मॉक ड्रिल होगा या डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हमारा जो जो एक हमारे पास जो पूरा ना डिजास्टर का एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिविजन लेवल पे आपकी जब भी कोई कोई मॉक ड्रिल होता है या कोई भी कोई डिजास्टर बड़ी कोई आपदा होती है, मैं आप सब लोगों को जरूर याद करूंगा कि उसमें आप भी अपनी जो है भागीदारी निभाएं। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वकील साहब का, प्रताप ठाकुर जी का, बाकी जितने भी आप लोग जो है उपस्थित है सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। चलो आपने एक डिफाइन किया था, बट ये मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक दिन का ही है। जैसे आप लोगों ने बताया, आपके संचालक जो है उन्होंने बताया कि ये हमारा काम रोज का है, हमारा ये नहीं है कि भाई आज हमने डिफाइन किया था कि आज हमने सफाई करनी है। सफाई और बाकी जो आप मतलब समाज से सेवा से रिलेटेड जो आप काम करते हो, जिसके लिए आप कोई चीज़ डिफाइन नहीं करते कि भाई ये आज करना या कल करना, वो कभी भी आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं, जो कि आपके संचालक ने बताया। इस बात से मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ऐसे एक्टिविटीज़ में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, समाज सेवा, इसको हम समाज सेवा ही लेंगे, चाहे इस और इस समाज सेवा में आज आपने जैसे हमारे हॉस्पिटल को चुना है कि हमने हॉस्पिटल के आसपास की सफाई का काम करना है, और जैसे हमारे को और भी आपके संचालक ने बताया कि भाई कोई जरूरत आपको मेडिकल से रिलेटेड हो, किसी पेशेंट की हेल्प करनी है या हॉस्पिटल के उत्थान के लिए कुछ भी काम करना हो, इवन ब्लड की जरूरत कोई पड़ेगी, तो उसके लिए भी आप लोगों ने जो अपना मतलब अपना कदम जो हमारी तरफ बढ़ाया है कि भाई हम हर वक्त इसके लिए तत्पर रहेंगे, मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि आप लोग जो आपकी जो संस्था है जो इस काम के लिए मतलब आगे बढ़ के ये काम करती है। तो मैं यही उम्मीद के साथ आपके साथ फिर से धन्यवाद करता हूँ कि ये आपका जो जो कार्य है वो प्रगति के साथ मानव सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए जो है वो इसी तरह से चलता रहे। थैंक यू। सर, जिस तरह से मैं और देवी देवताओं की भूमि है और शिवलिंगों की भी धरती है, ये स्वच्छ भारत मिशन की ओर से आप कुछ यानी कि मनाली की स्वच्छता के बारे में दुनिया भर के जितने भी हैं, चाहे वो हमारे भारतवर्ष के हों चाहे दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के हों, वो भी यहाँ पे आते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे स्वच्छता जो है पूरे जितने भी मनाली के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हम सबका और ज़्यादा मतलब दायित्व बन जाता है कि मनाली जो शहर है और उसका जो आसपास का जो इलाका जो है उसको हम स्वास्थ्य रखें, स्वच्छ रखें। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे संत निरंकारी मिशन की तरफ से आज पूरे समूचे विश्व भर में एक स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसी की कड़ी में यहाँ पे मनाली की जो ब्रांच है उसमें जो आपकी कर्ता दाता प्रताप ठाकुर जी एडवोकेट साहब हैं और बाकी आप लोग जो हैं वो भी चला रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सबका भी मैं धन्यवादी हूँ कि आप एक कैंपेन चलाया हुआ है। उस तरह से मैं आप सभी जितने भी मनाली की एक मुहिम चलाई है वो एक सिरे चढ़ेगी और वो कामयाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपका यहाँ पधारने पर। तो हमारा यहाँ से